बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ, झूठ मत बोलिए। ऑब्वियस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए। कांग्रेस ट्विटर पर चलेगा, और काजा कह रहे मारा गया, आज ये चलेगा ट्विटर पर। ह्यूमैनिटी वर्ड है। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर। आज चलेगा ये, आपका झूठ बार बार पकड़ा जाता है, आपको फैक्ट चेक बार बार किया जाता है। शर्म आपको आती है। हुल्लड़ डिबेट में आपका स्वागत है। जी न्यूज के खास कार्यक्रम एक भारत श्रेष्ठ भारत कॉन्क्लेव में बीजेपी के सुधांशु त्रिवेदी और कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत के बीच जोरदार बहस देखने को मिला। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी और इंदिरा गांधी का जिक्र कर कांग्रेस पर हमला बोला तो सुप्रिया श्रीनेत ने मोदी सरकार की नीतियों को लेकर बीजेपी को घेरने की कोशिश की। अंत तक देखिए सुप्रिया श्रीनेत और सुधांशु त्रिवेदी के बीच जोरदार बहस। आइए देखते जाएगा, अभी आप देखिएगा चुनाव नतीजे आएंगे, नील बटा सन्नाटा इनका स्कोर आएगा, सरकार हम और हमारा गठबंधन बनाएंगे। ये मैं आपको लिखकर बात देके जा रही हूँ। हरियाणा हम जीतेंगे, महाराष्ट्र हम जीतेंगे, झारखंड में दोबारा से हमारी सरकार हम बनाएंगे। और एक बात बस छोटी सी कहकर आप उसके बाद डिबेट को आगे ले जाइए। यहाँ पर सुनने को मिला कि हमारे जो गठबंधन के लोग हैं हम सिर्फ अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए गठबंधन नहीं करते हैं। अरे आप तो ऐसे लोगों से गठबंधन कर लेते हैं। शाम को मोदी जी ने स्पीच देके कहा 70,000 करोड़ रुपए का घोटालेबाज है अजीत पवार, सुबह 7 बजे उनके साथ आप शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हैं। तो आपकी बातों का, आपके कृत्यों का, आपके आदर्शों का, आपकी राजनीति का एक ही नाम है, मौका परस्त राजनीति। हमारी सरकार की इंस्पिरेशन भी भारतीय है, प्रेरणा भी भारतीय है, विचार भी भारतीय है और दृष्टि भी भारतीय है। हमारा कोई इंस्पिरेशन विदेशी नहीं है, हम बने भी आजादी के बाद हैं। हमारी पूर्ण प्रेरणा भारतीय है और कम्युनिस्ट हो या कांग्रेस हो, इन सबकी कहीं ना कहीं सोच में कॉलोनियल। मैं अगले टॉपिक इस पर मुझे जवाब देने की जरूरत है। इन्होंने कहा हम बने भी आजादी के बाद हैं। आजादी के आंदोलन के वक्त तो आप माफीनामा लिखते थे, मुखबिरी करते थे, पेंशन लेते थे, एक एक शहर में जिंदगी गुजार देते थे। आप तो भारत छोड़ो आंदोलन जो महात्मा गांधी ने शुरू किया, आपके जो सबसे आराध्य हैं श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, वो चिट्ठी लिखकर बोलते थे इस आंदोलन का दमन कैसे करो। तो आप कैसे भारतीयता की, राष्ट्रीयता की बात भी कर सकते हैं? आप तो वो पार्टी है जिसके सबसे आइडियोलॉजिकल फाउंटेन हेड RSS ने 52 साल तक तिरंगे को अशुभ कहा और तिरंगा नहीं फहराया। और ये मैं कोई तथ्य बना तो रही नहीं हूं, ये सार्वजनिक रूप से गठित तथ्य है। मेरा अपना मानना है राजनीति में उन मुद्दों पर बात होनी चाहिए जिन मुद्दों के लिए हम लोग चुने जाते हैं। 370 को लेकर कांग्रेस का स्टैंड वही है या फिर बदल गया? मैं वही है इसलिए कह रहा हूं कि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह वैधानिक तरीके से इसे हटाया गया था, उसके बाद मुझे याद है कि कांग्रेस ने कहा था कि इस पर अब बहस खत्म हो गई है, जल्द से जल्द चुनाव हो और जम्मू कश्मीर को वापस से पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ साफ मैनिफेस्टो में कहा है कि 370 की वापसी। अब आप उनके साथ अलायंस में हैं, अब ये बताइए कि आपका भी स्टैंड वही है, ये माना जाए कि कांग्रेस चाहती है 370 की वापसी हो? कांग्रेस पार्टी एक स्वतंत्र पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस पार्टी का CWC हमारी हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। और जिस वक्तव्य का आपने यहां पर उल्लेख किया कि जल्द से जल्द चुनाव हो, पूर्ण राज्य का दर्जा दोबारा दिया जाए, बिल्कुल हमारा स्टैंड वो है। 370 की वापसी नहीं चाहती कांग्रेस? बिल्कुल नहीं, हमारा स्टैंड पूर्ण राज्य का दर्जा और निष्पक्ष फेयर इलेक्शन है जम्मू। तो फिर आप उस पार्टी के साथ अलायंस में जो 370 वापस चाहती है? ऐसे बहुत सारे अलायंस होते हैं जो देश काल परिस्थिति को देखकर किए जाते हैं, और देश काल परिस्थिति को देखकर इतने विभाजनकारी और इतने परिस्थिति को देखकर बीजेपी भी PDP के साथ कर लेती है। बात समझाने की, इसलिए दूर रखना जरूरी है ऐसे लोगों को। देश काल परिस्थिति ऐसी है कि चुने हुए मुख्यमंत्री कहते हैं बटने और कटने की बात करते हैं। जब आज फरुखाबाद में दो लड़कियों की लाश आम के पेड़ से लटकी हुई मिलती है तो एक शब्द नहीं बोला जाता है। आप रेप पर राजनीति करेंगे, उत्तर प्रदेश पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप बटने और कटने की बात करते हैं, आपसे क्या उम्मीद की जा सकती है? ये मैं जानना चाहती हूँ बीजेपी से। मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी का, देखिए बांग्लादेश के ऊपर ट्वीट, उसमें कहीं हिंदू वर्ड नहीं है, कह रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश होना चाहिए। और हमास पे ट्वीट देखिए कितना लंबा लिखा हुआ है, अत्याचार हो रहा है, मारे जा रहे हैं, बलात्कार हो रहा है, फलाना हो रहा है, धमाका हो रहा है। बस ये समझने के लिए काफी मैंने है। आपको एक मिनट, मैंने आपको ये बात एक मिनट, मैंने इनको ये झूठ परोसते हुए कुछ मंचों पर देखा है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश करूंगी। या तो राहुल गांधी का ये ट्वीट दिखा दीजिए जिसका आप झूठा उल्लेख करते हैं, नहीं तो राजनीति छोड़ दीजिए। क्योंकि मैं डंके के चोट पर कहती हूं कि राहुल गांधी ने हमास पर या पैलेस्टीन पर जो आप कह रहे हैं कोई ट्वीट नहीं किया है। आप बार बार ये झूठ बोलना बंद कर दीजिए। ये मैं आपके मुंह पर कहना चाहती हूँ, झूठ मत बोलिए। वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव नहीं है, बीच में मत बोलिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी, अभी तक ठीक डिबेट चल रहा है, चलने दीजिए, बीच में मत बोलिए। या तो आप ट्वीट दिखाइए या हाथ पकड़ जोड़ के माफी मांगिए। रोज रोज ये झूठ मत परोसा करिए। और आप तो संसद में, और संसद में रहकर झूठ बोलते हैं। अरे संसद में रहकर आपको इतनी तो जानकारी होगी कि मुस्लिम्स में भी OBC होता है, OBC रिजर्वेशन उनको भी मिलता है। तो इस तरह की झूठी बातें नहीं करनी चाहिए। और अपनी IT सेल की
फेक न्यूज को यहां मत फैलाइए। पहली चीज, मैं यहां पर एक बात जरूर बोलना चाहती हूं, इधर उधर का उल्लेख कर दिया, पाकिस्तान तक पहुंच गए। अरे पाकिस्तान तो आप गए थे बिरयानी खाने, सिवाई खाने। पाकिस्तान की आईएसआई को हमारी सरजमी पठानकोट में सबसे पहले मोदी जी ने आने दिया। आप किस तरह की बातें करते हैं पाकिस्तान से? असलियत यह है कि फेलियर ऑफ इंडियन डिप्लोमेसी, 78 साल हमने अभी आजादी के मनाए हैं, इससे पहले कभी नहीं हुआ है। वी आर कंप्लीटली सेक्लूडेड इन आर नेबरहुड। पाकिस्तान और चीन मिलकर क्या कर रहे हैं ये सबको पता है। वो एक्सेस श्रीलंका से आपने चीन को वहां एंट्री दिला दी। नेपाल की, आज नेपाल की हिम्मत है कि हमारा मैप बदल रहा है, और चीन जो ना सिर्फ हमारा मैप बदल रहा है, हमारी सरजमी में अंदर घुसा हुआ है। ये आपके सांसद कह रहे हैं, ये लद्दाख के लोग सड़कों पे उतर के कह रहे हैं, उसका नाम लेने की आपकी हिम्मत नहीं है। अरे चीन को लाल आंख दिखानी थी, लाल शर्ट पहन के स्वागत नहीं करना था चीन का, महाबलीपुरम में शहनाई नहीं सुननी थी चीन के साथ, साबरमती में झूला नहीं झूलना था चीन के साथ। चीन को लाल आंख दिखाने की बात हुई थी ना, कहां है वो लाल आंखें? पाकिस्तान की बात करेंगे, सुधांशु जी ने लगता है कि ट्वीट मैं एक सिंपल सी चीज पूछना चाहती हूं, क्या हमारा देश, भारत के लोकतंत्र पे मुझे बहुत विश्वास है, किसी की भी सरकार बने, भारत के लोगों में एक इननेट विजडम है, भारत का लोकतंत्र और भारत के लोगों के डीएनए में जो लोकतंत्र है उसका आप अपमान करते हैं ये कहकर यहाँ पे लोग कट जाएंगे? बिल्कुल नहीं कटेंगे। यहाँ पर अगर वो परिस्थिति कभी बन नहीं सकती है, क्योंकि इस देश के लोग, लोकतांत्रिक लोग, वो परिस्थिति नहीं बनने देंगे। बार बार आपके मंत्री ये क्यों कहते हैं यहाँ बांग्लादेश हो जाएगा, ये कौन सी बात होती है कहने? सलमान खुर्शीद ने भी तो एक वक्त कहा था, गलत कहा था। आप किसानों पर, क्योंकि पता है हरियाणा का चुनाव होना है, बलात्कारी और हत्यारा मैडम ने कह दिया तो उनको प्रेस विज्ञप्ति जारी होकर पलड़ा झाड़ लिया गया। तब तो इस मामले में, बांग्लादेश के मामले में, चाहे वो सलमान खुर्शीद का बयान हो या कंगना रनौत का बयान हो, कांग्रेस ने सलमान खुर्शीद के बयान से पल्ला झाड़ लिया, किनारा कर लिया आपने कंगना रनौत के बयान से। नहीं, लेकिन ये बताइए कि बांग्लादेश का जिक्र हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में क्यों? मतलब क्या अगर बटेंगे तो कटेंगे? बांग्लादेश की हालत देख लो, गलतियां वैसी मत करना, तो मतलब आप बांग्लादेश से अपनी तुलना कर सकते हैं हिंदुस्तान की? इन्होंने कहा कि भारत में कोई कट नहीं सकता। ये कश्मीर में क्या हुआ था, कहा गया था ना 5 लाख हिंदुओं से कहा गया छोड़ के चले जाओ और अपनी बेटियां छोड़ के चले जाओ, गिरजा टिक्कू के साथ सामूहिक बलात्कार करके आर्य से काट दिया गया था। और मैं पूछना चाहता हूं, जानते इन लोगों के मन में बांग्लादेश वाला एंगल क्यों है ये बताइए? इस चुनाव में आपके मन में आपके लोग बांग्लादेश जमते हैं। हमने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके विश्व का भूगोल बदल के बांग्लादेश बना दिया था। आपकी ये नियत आ गई कि आप बांग्लादेश बता रहा हूँ, चुनाव हो रहे थे भारत में, पाकिस्तान बांग्लादेश के अखबार डेली स्टार में आर्टिकल किसने लिखा? खैर वो सब छोड़िए, इन्होंने कहा था ट्वीट की बात देता हूँ। देखिए साहब, आप ट्वीट की भाषा देख लीजिए, मोदी जी का ट्वीट है, My best wishes to Professor Mohammad Yunus for an assumption of this new responsibilities. We hope that early return of normalcy, ensuring the safety and protection of the Hindus and all other minority communities. अब राहुल गांधी जी का ट्वीट देखिए, Congratulations to Professor Mohammad Yunus on being sworn in as the head of the Bangladesh interim government. A swift restoration of peace and normalcy is need of the hour. अब आइए साहब, गाजा के ऊपर उनका ट्वीट देखिए, The killing of thousands of innocent civilians, including the children in the Gaza, and collective punishment of the millions of the people by cutting off their food, water, electricity supply are crime against humanity. The cycle of violence between Israel and Palestine must come to an end. बताइए इसमें मुस्लिम शब्द कहां है? नहीं, मैं बोलिए इसमें मुस्लिम शब्द, आपने क्या कहा था? आपने बोला था, आप झूट बोल रही है, पता हो रहा है, आपने ही ट्वीट में पकड़ दिए गए, आपने ही बताई हुई ट्वीट में पकड़ लिए गए। राहुल गांधी ने क्या कहा? वहां पर रेस्टोरेशन ऑफ पीस होना चाहिए। इन्होंने क्या कहा था? आने के बाद डिस्टर्ब करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सुप्रिया जी, आपने कहा था कि आप एक भी राहुल गांधी का ट्वीट देखिए। मैंने बोला आप दिखाइए, चाहे मुस्लिम की बात करिए। अरे इतना ही नहीं है, मैंने बोला मुस्लिम की बात करिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी फिलिस्तीन पर प्रस्ताव है कि इनकी झूठ बोलने की ऐसी आदत झूठ पड़ गई है। एक मिनट रुक जाइए, अरे भाई आप झूठ बोलने की ऐसी आदत पड़ गई है। बेटा यूएनजीए पे प्रधानमंत्री जाते हैं, प्रधानमंत्री कहते हैं मैंने बाइडेन से डिस्टर्ब करने लगी, मैंने नहीं डिस्टर्ब किया। अब मैं पूरी बात कर रही हूं, झूठ की बात कर रही, थोड़ी कलई तो खोल दीजिए। कांग्रेस वर्किंग कमेटी का प्रस्ताव है, सोनिया गांधी के अखबार में आर्टिकल है, प्रियंका गांधी का ट्वीट है, जो फिलिस्तीन करने वालों के साथ खड़े हुए हैं, और उसके बाद कह रहे हैं कि आप कांग्रेस को फांसी का, पढ़े लिखे को फांसी का। बोलिए कहते हैं कि मैंने बाइडेन से कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की हत्या हो रही है, नरेंद्र मोदी का आज का स्टेटमेंट है, राइट, यूएनजीए के साइडलाइंस पर। बाइडेन के प्रेस नोट में तो ऐसी बात कही नहीं है। तो आप घर पर भी नहीं, आप जी के मंच पर ही नहीं, आप अब विदेशों पर भी जाकर झूठ बोल रहे हैं, जिसकी पुष्टि बाकी राष्ट्राध्यक्ष कर रहे हैं। मैंने कहा
कहा था, राहुल गांधी का एक ट्वीट दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने हिंदू मुस्लिम किया हो, मुस्लिम शब्द का प्रयोग किया हो। सुधांशु त्रिवेदी लगातार 10 दिन से झूठ बोल रहे हैं राहुल गांधी की ट्वीट को लेकर। आज चलेगा ये, आपका झूठ बार बार पकड़ा जाता है, आपको फैक्ट चेक बार बार किया जाता है, शर्म आपको आता है। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, बीजेपी के चाहे कोई नेता हो या प्रवक्ता, बिना नेहरू, इंदिरा गांधी, पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान या कोई भी धार्मिक मुद्दा हो, इनसे हटकर कभी कोई बहस कर ही नहीं सकते हैं। और मजाल है हमारे देश के न्यूज एंकर कभी इन्हें टोक दे, चाहे बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर क्यों ना रहे। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें जरूर बताएं। वीडियो पर लाइक कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।